तो हम लगातार बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको मुंबई से हम इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दरअसल एक बार फिर डीआरडीओ ऑफिस में सिद्धार्थ मिठानी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और बड़ी बात यहां पर यह कि रिया चक्रवर्ती के परिवार को एक बार फिर समन जारी हो सकता है और रिया चक्रवर्ती से भी आज के दिन में पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी खबर मुंबई से हमारे पास आ रही है और तमाम संवाददाता हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं मुंबई से। डीआरडीओ ऑफिस में दिवेश मौजूद है और सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से शम्स ताहिर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब शम्स, आपसे जानना चाहेंगे, परिवार से भी रिया चक्रवर्ती के पूछताछ हो सकती है, आज के दिन में उन्हें भी समन जारी किया जा सकता है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दिवेश, आज के दिन में परिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है, क्या डिटेल्स आ रही है वहां से? जी, सूत्रों के मुताबिक यही पता चल रहा है कि आज समन जारी किया जा सकता है, हो सकता है आज ही उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अपीयर होने के लिए कहा जाए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाए। सीबीआई की एसआईटी अभी फिलहाल सिद्धार्थ पिठानी, केशव बचने, दीपेश सावंत और जो अन्य लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। ये जो चार लोग हैं वो की विटनेसेस हैं जो उस वक्त 14 जून को घर में मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई। सिद्धार्थ पिठानी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले सुशांत को उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक पंखे से लटका हुआ पाया था। इसके बाद केशव बचनेर, दीपेश सावंत ये लोग गए कमरे के अंदर और उन्होंने फिर सुशांत को इस अवस्था में पाया। उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में यही बताया है। चाबी वाला जो था मोहम्मद रफी, जिससे आज तक ने खास बातचीत की थी, उन्होंने यही बताया था कि कमरा अंदर से लॉक था, उनको लॉक तोड़ना पड़ा, लॉक तोड़ने के लिए उन्हें सिद्धार्थ पिठानी ने ही कहा था। उसके बाद जब लॉक खुला तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, सिद्धार्थ पिठानी ने उन्हें अंदर झांकने तक नहीं दिया और उन्हें दरवाजे तक छोड़ दिया गया। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी खुद सबसे पहले अंदर गए थे कमरे में, उन्होंने सुशांत की लाश को लटका हुआ पाया था। हमने नीरज सिंह जो है, जो कुक थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने अपने शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर से मौजूद हैं। शम्स, देखिए, रिया चक्रवर्ती क्योंकि प्राइम अक्यूज्ड है पूरे केस में, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में यह भी है कि जब हम सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, 70% कन्विक्शन रेट है सीबीआई के केसेस का, लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड के केसेस की जब बात आती है तो सीबीआई ने अब तक जो केसेस अबेटमेंट टू सुसाइड के इन्वेस्टिगेट किए हैं उसमें किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। इस फैक्ट को, इस तथ्य को अगर हम ध्यान में रखें तो इस लिहाज से सीबीआई के लिए रिया चक्रवर्ती को प्राइम अक्यूज्ड मानते हुए अबेटमेंट टू सुसाइड को जांचना कितनी बड़ी चुनौती है? ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है जांच का, ये पहलू कि किसी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए आप प्रूफ और पुख्ता सबूत लाएं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्ट जो मैं कह रहा हूँ बार बार वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी बताऊँ कि सीबीआई ने अब तक मुंबई में आने के बाद पिछले 3 दिनों में जो पूछताछ की है वो एक तरह से तमाम विटनेस की पूछताछ की, उसमें कोई एक्यूज नहीं है। पहली बार रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ होगी तो सीबीआई इस केस में एक अक्यूज यानी कि एक आरोपी से पूछताछ करेगी, और क्योंकि वो एफआईआर में नामजद है और 306 जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है वहां पर है। यहाँ पे ये कि जो आपने बताया, सीबीआई ने आज तक खुदकुशी के लिए उकसाने के किसी भी मामले में किसी को सजा नहीं दिलाई है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि आपको डायरेक्ट एक्ट, जैसे इसको ऐसे समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत की 14 तारीख को मौत होती है, रिया 8 जून को घर छोड़कर चली गई, 8 जून के बाद से ना मोबाइल पे बात करती है ना व्हाट्सएप पे करती है, 6 दिन का गैप है उसके जाने और सुशांत की मौत में, तो इन 6 दिनों में कोई डायरेक्ट लिंक अगर सीबीआई एस्टैब्लिश करती है कि ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई काम किया, ऐसी कोई बात की, ऐसा कोई प्रोवोक किया जिसकी वजह से सुशांत ने, अगर ये सुसाइड है तो तब ये कदम उठाया, तो फिर रिया चक्रवर्ती मुश्किल में पड़ जाएंगी। लेकिन अगर 6 दिन के इस गैप को कोई लिंक नहीं जोड़ पाती है सीबीआई, जिससे ये लगे कि नहीं सुशांत की जो मौत है उसकी वजह त्वरित यानी कि उस वक्त जो चीज हुई उससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर रिया चक्रवर्ती आसानी से बच जाएंगी। तो ये दोनों चीजों को एस्टैब्लिश करना सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और सिर्फ इस केस में नहीं, इसीलिए जो बाकी अभी हम बात कर रहे हैं, आज तक किसी भी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में सीबीआई किसी को सजा नहीं दिला पाई, उसकी वजह यही है कि आप डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट एक्ट की उस शख्स ने जो खुदकुशी कर रहा है उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने उसकी वजह से किया, उसने उसके साथ ऐसा किया, उसने ऐसी बातें की कि वो डिप्रेस हो गया, तो ये चीजों को साबित करना, जिस खासतौर पर अगर आपके पास सुसाइड नोट नहीं है वो सबसे ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है, और ये एक बड़ी चुनौती, जिस बात का जिक्र देखिए शम्स भी कर रहे हैं, शम्स और दिवेश लगातार हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। लेकिन सुशांत केस में सीबीआई हर उस शख्स से सवाल जवाब कर रही है जो इस मौत मिस्ट्री का राजदार हो सकता है।
नाम इसमें रिया चक्रवर्ती का प्राइम अक्यूज्ड के तौर पर है, जो मुख्य आरोपी है, सवालों के घेरे में है, लेकिन कब उन्हें सीबीआई बुला सकती है अभी ये साफ नहीं है, लेकिन समन रिया के परिवार को भी जारी हो सकते हैं। सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह में रिया, अब रिया बोलेगी, राज खोलेगी। सीबीआई संतुष्ट नहीं तो गिरफ्तार होगी रिया। एक वक्त ये भी था जब सुशांत रिया एक साथ हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते थे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद इन पुराने वीडियो के मायने ही बदल गए हैं। गर्लफ्रेंड रिया की नियत और सुशांत को लेकर रिया की नीति अब शक के दायरे में है। शक कहना शायद कम होगा, क्योंकि सुशांत के पिता ने अपने एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को ही आरोपी नंबर वन बनाया है। परिवार का सीधा आरोप है कि सुशांत की मौत में रिया का कहीं ना कहीं हाथ है। किसी से ना फोन किया, ना शोक प्रकट किया, ना मिलने आए पिता से, सब लोग मिलने आए, लेकिन ये मिलना तो दूर की बात है, किसी परिवार वालों से कोई शोक तक प्रकट नहीं किया उन्होंने। कहीं ना कहीं इनका कंडक्ट इतने उसमें है, संदिग्ध के घेरे में है कि इनका कंडक्ट तो किसी हाल में जस्टिफाई नहीं कर सकती। रिया से सीबीआई अब कभी भी पूछताछ कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पहले ही रिया से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। अब सुशांत केस में सीबीआई के सवालों के रडार पर आने वाली हैं रिया। हम आपको ये बताते हैं कि आखिर रिया पर क्यों लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, आखिर किन वजहों से गिरफ्तार हो सकती है रिया। रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी हैं, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है, तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। रिया का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम अक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनके मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई, तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाई, ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करने के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त बना ली है। सूत्रों की माने तो सोमवार को रिया चक्रवर्ती से सीबीआई एक लंबी पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत एक मंझे हुए सुपरस्टार थे जिनके जिंदगी में सब कुछ था, नाम, शोहरत, कामयाबी, पैसा और प्यार। लेकिन एक स्टार की असली कहानी अब कहीं ना कहीं खुद एक फिल्मी प्लॉट की शक्ल लेती जा रही है। फिलहाल हर किसी की नजर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर है, जिसकी अब सीबीआई अपने सवालों के चक्रव्यूह में इम्तिहान लेगी। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। रिया चक्रवर्ती जांच के घेरे में है। कभी बेइंतहा प्यार में बंधे सुशांत और रिया की लव स्टोरी लोगों के सामने थी, जो अब हेट स्टोरी के सामने की तरह सामने आ रही है। आखिर क्यों और कैसे ये लव स्टोरी हेट स्टोरी में तब्दील हो गई? रिया चक्रवर्ती की ये दिलकश अदाएं शायद इन्हीं पर फिदा हो गए होंगे सुशांत। शायद इसलिए रिया को दिल दे बैठे होंगे सुशांत। और देखते ही देखते रिया सुशांत की जिंदगी बन गई होंगी। किसने सोचा था सुशांत के प्यार का सच दुनिया के सामने कभी ऐसे आएगा? रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए उसने सबको चौंका दिया। ये आरोप बताते हैं कि रिया ने सुशांत को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। सुशांत के परिवार की माने तो सुशांत रिया की कैद में थे, जहां उनका दम घुट रहा था। रिया और सुशांत की इन तस्वीरों को देखिए, इन्हें देखकर ही सुशांत और रिया के करीब होने के एहसास का पता चलता है।
रिया का जन्मदिन हो या कोई खास मौका, सुशांत उसका हिस्सा होते थे। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन फॉरन लॉटिंग के अपडेट्स के साथ लगातार हमारी नजर इस मामले पर बनी हुई है। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन मुंबई में जारी है, ग्राउंड से भी आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।